For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. तुमने मेरा नाम नहीं लिया, वरना मैं अपना नाम लेने वालों की जबान काट दिया करता हूँ। सच्चाई आत्मा की आवाज है सिंगा, जिसे तुम जनता तक पहुँचने से नहीं रोक सकते। एडिटर सूरज, तुम मेंढक की तरह टर्टर बहुत करते हो, मुझे अब तुम्हारा टेटुआ दबाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। तुम चाहते क्या हो? कल तक तुम जो चाहते थे तुमने वही अपने अखबार में छापा, मगर अब हम कल के अखबार में एक हंगामेदार खबर छपवाना चाहते हैं कि प्रांतिकारी पत्रकार एडिटर सूरज ने अपनी प्यारी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिंगा जो चाहता है उसके इलाके में होके रहता है। जो आज तक होता था रातों के अंधेरों में, अब वही होता है दिन दहाड़े, दिन दहाड़े, दिन दहाड़े। We'll be right back.
हरामजादे, गाड़ी धीमी क्यों की? उस्ताद आगे रेडी आ गई थी। कुत्ते के पिल्ले, तुझे पता नहीं सिंगा की गाड़ी कभी नहीं रुकती। अच्छा अच्छा उस्ताद, जिन्होंने सूरज और उसकी पत्नी की हत्या की है। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि यह आत्महत्या का केस नहीं, कत्ल का केस है, कत्ल का। आप क्यों सूंघ गया तुम सबको? बोलो, चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी यह खामोशी गुंडों को शह दे रही है। कहां जा रहा है? लेकिन भैया, ये हमें क्या लेना किसी की मौत से? चल अंदर। याद रखो, ये गुंडागर्दी बिजली बनकर तुम सब पर एक एक करके गिरेगी और तुम सबका नामो निशान मिटा देगी। अरे उनकी मौत के लिए ना सही, कम से कम अपनी जिंदगी की सलामती के लिए कुछ ना कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। गफ्फार मियां, आप तो इस बस्ती के माने हुए बुजुर्गों में से एक हैं, आप तो कुछ बोलिए, खुदा के वास्ते कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं इंस्पेक्टर, ये बस्ती बस्ती नहीं, एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। यहां दिखाई देने वाला हर घर एक कब्र है और कब्रों में रहने वाले मुर्दे कभी बोला नहीं करते। तुमने मेरा नाम नहीं लिया, वरना मैं अपना नाम लेने वालों की जुबान काट दिया करता हूं। सच्चाई आत्मा की आवाज है सिंगा, जिसे तुम जनता तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। एडिटर सूरज, तुम मेंढक की तरह टर्टर बहुत करते हो, मुझे अब तुम्हारा टेटुआ दबाना ही पड़ेगा। सूरज, अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। तुम चाहते क्या हो? कल तक तुम जो चाहते थे,
तुमने वही अपने अखबार में छापा, मगर अब हम कल के अखबार में एक हंगामेदार खबर छपवाना चाहते हैं कि प्रांतिकारी पत्रकार एडिटर सूरज ने अपनी प्यारी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिंगा जो चाहता है उसके इलाके में होके रहता है। जो आज तक होता था रातों के अंधेरों में, अब वही होता है दिन दहाड़े, दिन दहाड़े, दिन दहाड़े। हरामजादे, गाड़ी धीमी क्यों की? उस्ताद, आगे रेडी आ गई थी। कुत्ते के पिल्ले, तुझे पता नहीं सिंगा की गाड़ी कभी नहीं रुकती। अच्छा अच्छा उस्ताद, खामोश क्यों? कौन थे वो लोग जिन्होंने सूरज और उसकी पत्नी की हत्या की है? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ये आत्महत्या का केस नहीं, कत्ल का केस है, कत्ल का। सांप क्यों सूंघ गया तुम सबको? बोलो, चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी ये खामोशी गुंडों को शह दे रही है। कहाँ जा रहा है? लेकिन भैया ये हमें क्या लेना किसी की मौत से? चल अंदर। याद रखो,
ये गुंडागर्दी बिजली बनकर तुम सब पर एक एक करके गिरेगी और तुम सबका नाम और निशान मिटा देगी। अरे उनकी मौत के लिए ना सही, कम से कम अपनी जिंदगी की सलामती के लिए कुछ ना कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। गफ्फार मियां, आप तो इस बस्ती के माने हुए बुजुर्गों में से एक हैं, आप तो कुछ बोलिए, खुदा के वास्ते कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं इंस्पेक्टर, ये बस्ती बस्ती नहीं एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। यहां दिखाई देने वाला हर घर एक कब्र है और कब्रों में रहने वाले मुर्दे कभी बोला नहीं करते। वाली ब्रम 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 आ हा तो साहिबान मेहरबान पांडान हिंदुस्तान अपनी कह दे पर मेरी मान। आप सबके सामने इस हीरो ने वादा किया है कि मेरी बहन से शादी करेगा और हम भी वादा करते हैं कि इस हीरो के साथ अपनी बहन को विदा जरूर करेंगे। इसलिए इस दूल्हे के लिए बजा ताले। हाँ तो भाइयों, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। जय मजिंदर काली के अंदर बोरी बंदर, जय जितिंदर जय धर्मिंदर। तो ये लीजिए आपकी दुल्हनी है। अरे अरे अरे, चिचा जी भागते कहाँ हो, अपनी दुल्हनिया तो साथ ले जाओ। अरे माफ कर रहा भाई साहब। अरे ओ मुन्नी बाहर आजा बाहर। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अभी तो मुझे तेरी शादी करनी है, तुझे विदा करना है मुन्नी। मैं तेरे बिना बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा मुन्नी, बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। भगवान का साया, वो अकेला नहीं होता, वो अकेला नहीं होता, बस तुम्हारा मेरा साया। मैं तेरे कातिल को सजा जरूर दिलाऊंगा मुन्नी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने, हम तुम्हारे बाप की नौकर है क्या? यहाँ क्यों आए तू? साहब मेरी बेटी कल रात से घर नहीं आई। कल रात से घर नहीं आई, भाग गई होगी किसी हरामजादे के साथ। ताले तेरी क्या प्रॉब्लम है? सब बाजार में, बाजार में कीड़े मकोड़ों की तरह चलते हो तुम लोग। बाजार में ट्रैफिक का सत्यानाश कर रखा है, लेकिन आजादी के बाद लोगों ने बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। साहब मेरी औरत, तुझे क्या हुआ है? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। यानी कि जबरदस्ती। अपने कपड़े देखे हैं तुमने? आजकल के महंगाई के जमाने में लोगों को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं मिलते, लेकिन तुम जैसी छोकरियों को अपना ये नंगा जिस्म दिखाने की आदत जो है, अरे इतने थोड़े कपड़े अगर कोई फिल्मों में भी पहन ले तो सेंसर उसे काट डालती है, लेकिन तुम जैसी छोकरियों को अपने पीछे लौंडे लगाने की आदत जो है। कैसा था वो बोल, कैसी शक्ल थी उसकी? बोल जवाब दे, कैसी शक्ल थी उसकी? अरे बोल ना। आपके जैसी। शट अप।
इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी दुनिया उजड़ गई साहब। मर गई है क्या? हाँ साहब, चिप नंबर 887 ने इसे कुचल कर मार डाला साहब। 887 कुत्ते के पिल्ले ने फिर लफड़ा किया। मोरे जी साहब, जाओ स्टेशन लग रहा जी, तुम यही ठहरो, मैं बुलाता हूं। मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं। रामजादे, एक दिन पुलिस एनकाउंटर में तेरी लाश सड़क पर मिलेगी, इतना याद रखना। बकवास मत कर। ये बता, सूरज के केस को खुदकुशी का केस बना दिया कि नहीं? उल्लू के पट्टे, मैं तुझे कहां कहां संभालता फिरूं? ये मैं नहीं, नेताजी पूछ रहे हैं। मैं सब संभाल लूंगा, मगर तेरा एक और बाप बाहर खड़ा है, जिसकी बहन को तूने अपनी जीप के नीचे कुचल डाला। हरामी की औलाद, अब मैं तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर ही छोड़ूंगा। अबे जाट, इंस्पेक्टर कहे तो नेताजी से फोन करा दूं। रहने रहने, ज्यादा नाटक मत कर, कुत्ता कहीं का। लालवानी। ये सर, वो पागल शराबी है ना, बाटली वाला, पकड़ा उसे। और सुन, बाहर एक लड़का खड़ा है जिसकी बहन कुचल दी गई है। ये सर, उसे अंदर भेज। ओके सर। आओ आओ, कितना पढ़े लिखे हो साहब? अगर पढ़ा लिखा होता तो क्या वदारी का काम करता? अच्छा, बैठो। क्या नंबर बताया था तुमने? 887। 887? ये हो ही नहीं सकता, उस जीप का नंबर जरूर 888 होगा। नहीं साहब, जीप का नंबर 887 ही था। कितनी दूर से देखा था तुमने? यही कोई साहब 20-30 गज की दूरी से। इसीलिए तो तुम गलती खा गए। 888 एक पारसी की गाड़ी है, अक्सर एक्सीडेंट करता रहता है वो हरामजादा साला। तर लिया जाएगा। मोरे जी साहब, वो जीप नंबर 888 है ना, पारसी की जीप, उसने इसकी बहन को कुचल कर मार डाला, उसकी रिपोर्ट लिख लो। जी सर, समझ गया सर। जाओ आइए। साहब शुक्रिया साहब। ओके, आप जैसा अफसर लोग होगा ना साहब, तो हम गरीबों को इंसाफ जरूर मिलेगा साहब। अच्छा अच्छा, सलाम साहब। चलिए आइए, बैठो बैठो। क्या नाम तुम्हारा? राजा। है राजा? राजा, पूजा बेटी, घर की चाबी। वो भाई की मौत के गम से भरी हुई है, उसे अकेले में बैठकर रो लेने दो। आप परेशान ना करो, मुझे अभी बहुत काम करना बाकी है। ये आर्टिकल लिखकर आज ही मुझे प्रेस में देना है। एक कप चाय और पिलाओगी प्लीज? और कितनी चाय पियोगे? अब बस भी करो। भाभी ये सब क्या है? सुबह सुबह बर्तनों की म्यूजिक बजाई जा रही है क्या? तू आज इम्तिहान देने जा रही है ना, तेरे लिए कटोरी में दही जमा कर रखा था, वही ढूंढ रही थी जैसे बर्तन गिर गए। ये
पूजा, जब तक तू जर्नलिस्ट बनकर वापस नहीं आ जाती ना, हम ये फोटो देख के तुझे याद कर लिया करेंगे। भैया मैं आ गई हूँ, भैया मैं जर्नलिस्ट बनकर आ गई हूँ। शिवा शिवा शिवा। यस सर। विजय सिंह, वो सूरज की आत्महत्या के केस का क्या हुआ? सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, वो आत्महत्या का नहीं पत्र का केस है। कोई चश्मदीद गवाह? सारी बस्ती ने अपनी आंखों से देखा है सर, मगर अफसोस अभी तक किसी ने जबान नहीं खोली। यू आर राइट, और खुलेगी भी नहीं। डर और दहशत ने सबको गूंगा बना रखा है, मगर याद रखिए सर, जिस दिन उनकी जबान खुल गई तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। इससे पहले कि किसी की जबान खुले, मुझे नेताजी से सलाह कर लेनी चाहिए। नारी की स्वतंत्रता पर बहस हो रही है, सदियों पुरानी समस्या है, नेताजी को आने में कुछ समय तो लगने ही वाला है। तो फिर अब और कितनी देर बैठना पड़ेगा? बस अब थोड़ा ही इंतजार कीजिए। हसीना तू तो हमार जनता के समान है, जो हमार इशारन पर नाचत है और हमार बाजू में ही झूमत है, कसम जी। नेताजी कहो, दुखियारी जनता कब से आपका इंतजार कर रही है? अरे देखत नहीं हो कि हम बिजी हैं। मगर हुजूर आपने तो वादा किया था कि उनकी समस्याओं को सुनेंगे। यही तो हम नेता लोगन की मजबूरी है कि हम सबका वादा कर देते हैं पर कीकी का पूरा करे का समझे। अच्छा ठीक है, चल रख आजा। अच्छा हुजूर। चला चला। अचकन बाहर और ये नेता की वर्दी अंदर। ये वर्दी वर्दी और नेताजी वर्दी और वर्दी वर्दी वर्दी। नेताजी सूरज का मर्डर केस दिन ब दिन उलझता चला जा रहा है। का सुलझा नहीं सकत हो? अरे लानत है तुहार वर्दी पे। अरे हमरी ये वर्दी देखो, कैसे ही का पहन कर जनता को लूटत है, क्या समझे? नेताजी मामला कुछ खास नहीं है, ये वर्दी वाला आप पर ऐसे ही रोब जमा रहा है। बकवास बंद करो। ये ठीक है कि हम अपना रसिक जीवन में तुम दोनों को शामिल कर लेते हैं, और इतना याद रखो कि हम जितने प्रेम से गले मिलत हैं उतने ही प्रेम से गला काटत भी है, क्या समझे? कुर्सी मैया तुहार जय हो, फिर नेता को काहे का भय हो। पड़ बड़े जी। नेता जी दुर्गा प्रसाद जी का भेजो। हाँ दुर्गा प्रसाद जी बैठो। बिटुआ की नौकरी की खातिर आए है ना? नेताजी आप तो अंतर्यामी हैं। वो तो हम हैं ही। बीकॉम में फर्स्ट आया है मेरा बेटा, फिर भी इसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। और मिलेगी भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं माई बाप? अरे ठीक ही तो कहते हैं, जनता की कसम तुहार माँ भी हम हैं और बाप भी हम, पर ये जो तुहार सुपूत है ना, इतना भी नहीं जानत है कि बड़ों का सत्कार कैसे करत है। शिवा बेटे जी, यही हम दीनों के बंधु हैं, इनके चरण छुओ बेटे। जाओ बेटे जाओ बेटे जाओ। दुर्गा प्रसाद जी
ये जो आज की पीढ़ी है ना, एकदम बेकार है। कसम जनता की, पर हम तो नेता है ना, हम तो बेकारों को काम दिलवाएंगे ही। आप हमारे सेक्रेटरी से मिल लीजिए, बिटुआ को काम मिल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटे आओ। जयराम जी की। आइए भंडारी जी, आइए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज हमारे यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? कोई खास बात नहीं है, एक छोटा सा कांटा चुभ गया है और उसे आपको निकालना है, और निकालने की कीमत 10 लाख रुपए। कांटे का नाम? गांधीनगर बस्ती। अब वो जमीन मैंने खरीद ली है। मगर बिल्डर भंडारी, गांधीनगर कांटा नहीं, कांटे का झाड़ है, जी का निकालते निकालते आदमी खुदे ही जख्मी हो सकत है। सिन्हा साहब, आप नेता कम अभिनेता ज्यादा हैं। अजी ऐसा, और एक बैग जिसमें 10 लाख रुपए हैं बाहर मेरे सेक्रेटरी के पास पड़ा है। तो ठीक ही है, ये दोनों बैग हमार सेक्रेटरी के पास पहुंचाए दो। सेक्रेटरी? बड़ी सीधी सी बात है दुर्गा प्रसाद जी, रेलवे की नौकरी में तो 1000 के ऊपर की आमदनी है, विकास क्षेत्र में 2000 की, और म्युनिसिपैलिटी के गोदाम में 3000 की है। अब आपका लड़का तो हर महीने थैली जमा करता जाएगा, हम तो आपसे सिर्फ एक ही बार 25000 की थैली मांग रहे हैं। 25000 की रिश्वत? छी 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 छी, ये शब्द तो अंग्रेजों के जमाने में इस्तेमाल होता था, अब तो हम इसे भेंट कहते हैं, नजराना कहते हैं, और अंग्रेजी में गिफ्ट। बड़बड़े बाबू, जो गरीब बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में 25 बार मरता हो, वो भला 25000 रुपए कहां से लाएगा? दुर्गा प्रसाद जी, इस जमाने में जो आदमी कुछ दे नहीं सकता, वो ले भी नहीं सकता। आप जा सकते हैं। मगर बड़बड़े बाबू, कुछ तो कीजिए। उठिए पिताजी, अब हम और दलील होना नहीं चाहते। आपने मुझ पर दबाव डाला, इसलिए मैं यहाँ चलाया, वरना ये अंगूठा छाप नेता के टुच्चे सेक्रेटरी को हमारी तकलीफ का क्या पता कि हमने कितनी मेहनत से शिक्षा पाई है और उसी स्वाभिमान से काम भी चाहते हैं। चलिए पिताजी, मैं कहता हूँ चलिए पिताजी। इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये रिश्वतखोर हमें क्या नौकरी देगा? वाह नेता जेबी सिन्हा, जियो और पियो, चाहे वो ससुरा जनता का खून ही काहे ना ही हो, अरे जब नेता पुलिस और गुंडा मिल जाए तो सारे देश को खाली करा सकत है। ये बस्ती का चीज है, क्यों सिंगा? बस्ती तो मैं जब चाहे खाली करवा दूं नेताजी, लेकिन उस बस्ती से जो मुझे हफ्ता मिलता है उसका क्या होगा? अरे गांधी नगर खाली करवाए के किसी और की जमीन पे शास्त्री नगर बसवाए देंगे। हाँ, संजय, गांधी नगर खाली करवाने से आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। कब वक्त हो नेताजी? जो असल में क्राइम करता है उसे तो आप सिफारिशें छुड़वा लेते हैं, और हमें हमारा रजिस्टर भरने के लिए बस्ती के किसी बेकसूर को पकड़ना पड़ता है। बाघ मारे, तुम हो बहुत मूर्ख। हम मानत हैं कि सिंगा की गुंडागर्दी तुहार वजह से चलत है, पर ये मत भूलो कि तुहार इंस्पेक्टरी हमार वजह से चलत है, और हमार नेतागिरी जनता की वजह से चलत है। अब ये सोचो कि जनता की आंख में धूल कैसे झोंकनी है, क्या समझे? आओ बेटा, बैठो। सलमा बेटी। आई अबू। जी अबू। अरे भीग गई थी क्या? जी अबू, वो छतरी भूल गई थी। अच्छा अच्छा, ये राजा है तुम्हारा भाई। भाई? हाँ बेटी। राजा, ये है मेरी बेटी सलमा, है ना तुम्हारी मुन्नी जैसी। बेटी, राजा का इस दुनिया में कोई नहीं, अब ये हमारे साथ रहेगा और अपने ही गैरेज में काम करेगा। बुद्धि? देखा राजा, मैं रास्ते में तुमसे यही कह रहा था,
कि रिश्ते कभी मरते नहीं, वो अपनी शक्ल बदल लिया करते हैं। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। ये लो बहन, ये मेरी मुन्नी की आखिरी निशानी। ले लो बेटी, एक भाई का दिया हुआ तोहफा है। अपने भैया को खाना नहीं खिलाओगे? अभी लाई। भाभी थोड़ी सी भाजी देना। भाजी नहीं है। अच्छा दाल ही दे दो। दाल भी नहीं है। अब और कुछ मत मांगना, सब खत्म हो गया। बहू, जवान लड़का है। जवान तो है मगर सूखे पेड़ की तरह। फल तो क्या, यहाँ पत्ते भी नहीं लगते। काम का ना काज का, ढाई मन अनाज का। भाभी, हाय 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 हाय, खाएगा भी हमारा और सिंह भी हमें ही दिखाएगा। बाप निखट्टू और बेटा बेकार, रहा मेरा मरद, कुत्तों की तरह नोच डालो इसे। शिवा सुन तो। अरे जाने दो जी, मेरी बात का अगर इतना ही बुरा लगता है ना तो खुद कमाए, अपने आप दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा, निकम्मा कहीं का। आओ जी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ताली के फिर अंजर पंजर ढीले हो गए। नीरज जरा देख तो। अभी देखता हूं। आजा, कल तू भी देख, इसी तरह धीरे धीरे सीखेगा। अच्छा। अरे महबूब, हाँ काट करना जरा। देख ऐसे होता है। नीरज, हाँ ये अपना शिवाई है ना? हाँ लगता तो शिवाई है। चलो देखते हैं। चल राजा, गाड़ी का ख्याल रखना। हाँ। ए शिवा, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही लहरें गिन रहा था। साला टाइम ही खराब आ गया। बेवकूफ लोग मोती निकाल कर ले जाते हैं और पढ़े लिखे लहरे ही गिनते रह जाते। शिवा क्या बात है, आज तेरा मूड ठीक नहीं? मैंने घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, या घर वालों ने छोड़ने पर मजबूर कर दिया? जवान लड़का, ऊपर से पढ़ा लिखा बेकार, घर वालों पर तो क्या, अपने आप पर भी बोझ होता है। मारो मारो और मारो, पत्थर से नहीं डंडे से मारो, डंडे से मारो डंडा, क्योंकि बड़े होने पर तुम पर चलेगा डंडा डंडा डंडा। ए रुक जाओ, मारो मारो डंडा। बाबा 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 बाबा, मैं नीरज हूं बाबा, मुझे पहचानो बाबा, मैं नीरज हूं बाबा। डंडा चलेगा हर गरीब पर, चलेगा हर हक मांगने वाले पर चलेगा।
अमीर गरीब पर डंडा चलाता है, जब गरीब में ताकत आएगी ना तो वो अमीर पर डंडा चलाएगा, तब तब बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बाबा, बहुत मजा आएगा बाबा। आप मेरे साथ चलो बाबा, मेरे साथ चलो बाबा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ डंडे खाने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम्हारी दुनिया में कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ दो देश है, दो धर्म है, एक अमीर का एक गरीब का, जो हाथ मांगेगा डंडा खाएगा, जो हाथ मांगेगा। नीरज, कौन था ये? मेरा बाप। अगर तुम तो कहते थे कि तुम्हारे डैडी मिल मजदूर यूनियन के लीडर थे। हाँ, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? वही बीमारी जो आजादी के बाद हर आदमी को लग गई, हड़ताल, तालाबंदी। लोग पहले तो नौकरी के लिए तरसते हैं और जब मिल जाती है तो कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में आकर वो डारे लगाना शुरू कर देते। मेरे पिताजी ने वही गलती की थी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, हमें हमारा बोनस दो, हमें हमारा बोनस दो, हमें हमारा बोनस दो, हमें हमारा बोनस दो, बोनस दो, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे बढ़ो खबरदार, आगे मत बढ़ो वरना मुझे लाठी चार्ज करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, उस हड़ताल की लाठी ने मेरे डैडी के दिमाग पर इतना गहरा जख्म कर दिया कि वो पागल हो गए। इसी सदमे ने और बीए का एग्जाम न देने के गम ने मुझे इतना निराश कर दिया था कि अगर गफ्फार चाचा न मिलते शायद मैं खुदकुशी कर लेता। हाँ शिवा, गफ्फार चाचा बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम यहां क्यों नहीं नौकरी कर लेते? नहीं यार, नौकरी ढूंढने के चक्कर में मैं कई जगह इतना बेइज्जत और जलील हुआ हूं कि नौकरी नाम से नफरत हो गई है मुझे। बेकाम पास हूं और बेकाम सोचता हूं यार, कहीं कोई छोटी सी चाय की दुकान ही खोल। ये काम कर सकोगे? क्यों नहीं, आज के सिस्टम ने पढ़े लिखों को दिया ही क्या है। इससे पहले कि फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाए मैं कुछ करना चाहता हूं यार। ठीक है, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो मेरा हिस्सा, मुझे अभी तक पगार नहीं मिली। तुम राजा? लेकिन सिर्फ नाम ही का राजा हूं, वैसे पूरी जिंदगी फुटपाथों पे गुजारी है। राजा पहलों में रहने वाले तो भिखारियों का दिल रखते हैं, तुम तो दिल के राजा हो। अगर तुम्हारे जैसा साथी हम में शामिल हो गया है तो मुझे टी स्टॉल खोलने से कोई नहीं रोक सकता। चाय की दुकान? वाह, क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने शिष्यों के लिए। खैर, जैसी तुम्हारी किस्मत। मास्टर जी, किस्मत तो शिक्षा विभाजन करने वालों के हाथों में आ गई है। शिक्षा विभाजन? जी हाँ मास्टर जी, जैसी स्कूल की शिक्षा वैसा ही करियर। अब देखिए ना, आप आज तक म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ाते रहे और वहां का पढ़ा हुआ लड़का एक मामूली नौकर या चपरासी बनता है और उसके बाद आता है पब्लिक स्कूल जहां के पढ़े बच्चे क्लर्क या हेड क्लर्क ही बनते हैं, और सबसे ऊपर आता है कॉन्वेंट स्कूल जहां के पढ़े बच्चे अफसर या मालिक ही बनते हैं। दरअसल मास्टर जी, बच्चे के दाखिला लेते ही उसके भविष्य का फैसला कर दिया जाता है। ये क्या बेकी बेकी बातें कर रहे हो तुम लोग? ये बैकी बैकी बातें नहीं है मास्टर जी, सच्चाई है सच्चाई। देश में समाजवाद तब तक नहीं आ सकता जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता। राजा, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं तो बस एक ही बात जानता हूं, मेहनत करो और अपना पेट भरो, बस। दरअसल बेटे, सब बातों का सार यही है, मेहनत करो, मेहनत करो, पेट पालो। अपना अपना शिवा भी यही करना चाहता है। हाँ मास्टर जी,
ये टी स्टॉल खोलना चाहता है बच्चों, इसके टी स्टॉल का उद्घाटन मैं करूंगा। हाँ शिवा, तेरे टी स्टॉल का उद्घाटन मैं करूंगा। पूजा, तुम जैसी जर्नलिस्ट की नजरों में ये काम तो बहुत छोटा होगा ना? नहीं शिवा, आदमी अपनी नजरों में छोटा ना हो तो कोई काम छोटा नहीं होता। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मेरे दोस्तों से मिलो। नीरज, हेलो। हेलो राजा, महबूब। नमस्ते। किसे देख रहा है? यार सोचा था घर से कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। खैर शिवा, पीछे मुड़कर नहीं देखते, बड़ी तकलीफ होती है। हाँ। वाह मास्टर, अरे भाई बच्चों की ख्वाहिश थी कि टी स्टॉल का उद्घाटन तुम्हारे हाथों से हो। अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो, आइए रहो। नमस्ते मास्टर। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अरे वाह मास्टर जी, ये लीजिए और मेरे टी स्टॉल का उद्घाटन कीजिए। आज से टी स्टॉल शुरू। मुझसे पूछे बिना यहाँ टी स्टॉल लगाने की हिम्मत किसने की? लेकिन ये जगह तो म्यूनिसिपैलिटी की है। आरामजादे, जानता नहीं ये मेरा इलाका है? अगर तुझे कोई भी काम करना है तो पहले मुझसे हफ्ता तय कर। मगर इस जगह का किराया तो म्यूनिसिपैलिटी तय करती है। नहीं, म्यूनिसिपैलिटी को हफ्ता हम देते हैं और यहाँ का हफ्ता हम लेते हैं। और सुन, अगर तुझे यहाँ धंधा करना है तो 200 रुपए हफ्ता पहुँचाना पड़ेगा, वो भी एडवांस में। चलो। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो चलो। नहीं, उसका अंजाम नहीं जानते, वो बदमाश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मास्टर जी ठीक कह रहे हैं बच्चों। आप लोग डर क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बच्चे पहली बार जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन्हें मत रोकिए, तुम लोग जाओ जाओ। हाँ चलो 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 चलो, चलो। क्या बदतमीजी है? किसकी इजाजत से अंदर आए हो? हम कानून से अपना हक मांगने आए हैं। कानून तोड़कर हवालात में बंद कर दूंगा हरामजादों। बिना मतलब के, हम पढ़े लिखे लड़के हैं इंस्पेक्टर, प्रजातंत्र में क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक सरकारी नौकर हूं और ये सरकार जनता की है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सिंगा ने हम पर कातिलाना हमला किया है गांधीनगर में। हाँ। अच्छा, तो तुम वही चार गुंडे हो जिन्होंने सिंगा को जान से मारने की कोशिश की? ये झूठ है, सिंगा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लो पढ़ो।
इसका मतलब है कि सिंगा ने पहले हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और बाद में हम पर हमला किया। वो मैं नहीं जानता, लॉ इज लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर मेरी बहन के केस की सुनवाई अब तक क्यों नहीं हुई? कट्टर के कीड़े, तूने 10,000 रुपए लेकर पार्टी से सुलह कर ली थी। ये देख तेरा सुलहनामा, इसमें तेरे अंगूठे के निशान मौजूद है। ये गलत है। जीप नंबर 888 क्या? इसी ने मुझे बहकाकर उसकी जीप का नंबर गलत लिखवाया था मुझसे। व्हाट? ये जरूर सिंगा का आदमी है। हरामजादे। इंस्पेक्टर, जनता भेड़ बकरी नहीं जिसे लाठी से हांका जाए। हेलो, हम जेबी सिन्हा बोलत हैं, तुम फौरन यहां आ जाओ। जी मैं अभी आया। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, बात तो सुनिए सर। सुनिए तो आप हमारी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर। सुनिए तो सही इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, आखिर आप हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? आखिर आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? देखो, एक तो गुंडागर्दी करते हो और ऊपर से यहाँ रिपोर्ट लिखवाने चले आते हो। चुपचाप चले जाओ वरना हवालात में बंद कर दूंगा, समझे? सर सुनो, तुम इन गुंडों से निपटो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। राइट सर। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इंस्पेक्टर साहब, पहले सिंगा ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर शिवा का स्टॉल तोड़ दिया, उसके बाद हफ्ता मांगते हुए हमें धमकी दी है। हाँ साहब, और उस दिन सिंगा ने साहब मेरी बहन को अपनी जीप से कुचल के मार डाला। हाँ। और साहब ये बाघ मारे है ना, हाँ, इसने मेरी रिपोर्ट में साहब वो जीप का नंबर गलत लिखवाया। तुम लोग गांधीनगर बस्ती में रहते हो ना? जी। शर्म से डूब मरो। जरा सा कांटा क्या चुभ गया, यहाँ खून दिखाने चले आए? उस दिन तुम लोग मर गए थे क्या, जब सूरज एडिटर का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था? लेकिन साहब मेरी अर्जी पे तो गौर किया जा सकता था ना? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, और जब सबूत नहीं तो कोई केस नहीं। ठीक है साहब, आप सिंगा के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज कीजिए। यही तो मुसीबत है, रिपोर्ट दर्ज करने को क्या है, कर लेता हूं दर्ज, मगर कोर्ट में केस तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि सिंगा तुमसे पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा चुका है। मैं मानता हूं कि राजा अनपढ़ है, हाँ, और गलती से अंगूठा लगा बैठा, मगर तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, पुलिस की मदद करो ताकि मुजरिम को पकड़ने में आसानी हो सके, समझे? जाओ जाओ, और आइंदा इन बातों का ध्यान रखना। रामजादे, सुवर की औलाद, थोड़े से हफ्ते के लिए मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। ऐसा बोल वरना हार्ट फेल हो जाएगा। कुत्ते की खून के रख दूंगा। अरे क्या ये क्या हो रहा है? है? अरे एक अहिंसावादी का घर मां हथियारन का अभ्यास कर रहे हो? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखिए नेताजी, गांधीनगर के 4 छोकरों की शिकायत सुनकर इसने आज पहली बार हम पर हाथ उठाया है। ए वर्दी वाले, अरे 4 बकरियन की खातिर हमार शेर पर हाथ उठा था? वो बकरियां नहीं है नेताजी, 4 नौजवान हैं और उनमें से 3 पढ़े लिखे हैं। वो 8 हाथ उठेंगे तो उसके साथ सैकड़ों हाथ उठकर आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, और उस वक्त मैं आपकी राजनीतिक समस्या को हल नहीं कर पाऊंगा। अरे वाह रे वर्दी वाले, अरे हमार संगत का असर तोहार पर भी हो जाता है। अच्छा सिंगा, ये वर्दी वाला बकत ठीक है, पर नेताजी अब मेरा क्या होगा प्रभु? अजी एनओसी मिल चुकी है और वो गांधीनगर की जमीन अभी तक खाली नहीं हुई है, और मैंने पेपर्स पर सारे फ्लैट बनाकर बेच डाले, इनके पैसे लिए हैं, मेरी अतलियां खींच के जलेबी की तरह घी में तल देंगे नेताजी। सुन लिया बचुआ, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तनिक आतंक फैलाओ गांधीनगर में। घबराइए मत नेताजी, इस गणेश चतुर्थी से पहले आतंक फैल जाएगा, बस चंदा मांगने के लिए वहां जाने की देर है। पैसे निकाल, चंदा निकाल, चंदा। मैं अपने बच्चे की दवाई लेने जा रहा हूँ। नहीं मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पैसे निकाल, झूठ मत बोल। गणपति का चंदा चाहिए। अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं मानेगा। गणपति बप्पा बोरिया, गणपति बप्पा बोरिया।
चंदा चाहिए? हाँ हाँ जरूर, ये लो। 50 नहीं 500 चाहिए, बहुत बड़े गैरेज का मालिक है तू। तुम लोग चंदा मांग रहे हो या कोई कर्जा वसूल कर रहे हो? रामजादे बात बोलता है तू? बुड्ढे तेरा कम बोल। 500 रुपए निकाल बुड्ढे। लेकिन इस वक्त मेरे पास 500 रुपए नहीं है। झूठ बोलता है ये, तो तुम लोगों की गुंडा कर दी। पकड़। राजभैया राजभैया, गवा चाचा को सिंगा के आदमी लोग मार रहे हैं। क्या? खुदा के लिए मेरे अब्बू को मत मारो। मैं अभी आपके पैसे ला कर देती हूँ। रुक जाओ। तमाशा लगा रखा है? इंस्पेक्टर साहब, ये सिंगा हमारे इलाके में गुंडागर्दी करता है। क्यों सिंगा? ये वक्त है इंस्पेक्टर, हम यहाँ गणपति का चंदा इकट्ठा करने के लिए आए हैं। अपनी बस्ती छोड़कर हम यहाँ हर साल गणपति बिठाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसके गुंडों ने बस्ती वालों को मारा है। इसने हमारे चाचा पर हाथ उठाया है। हमारी बस्ती में ये गणपति बैठाने वाला कौन होता है? सुन लिया इंस्पेक्टर? बकवास बंद करो, ये लड़के ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अपनी ही बस्ती में गणपति बैठाना चाहिए। मगर इंस्पेक्टर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें आज आखिरी वार्निंग देता हूं, अगर आज के बाद तुम इस बस्ती में नजर आए तो मैं तुम्हारा हाजमा खराब कर दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। क्यों मैं नेता की तुम ऐसे क्यों फड़फड़ा रहा है? गया था आतंक फैलाने, दे दिया ना बंबू। इसीलिए कहता हूं कि टोपी वाले की उसमें ज्यादा मत घुसा कर। तेल लगाने का टोपी वाला, तू पहले ये बता तू मेरे लिए कुछ कर सकता कि नहीं? अरे वो तो करूंगा ही। तो उंगली क्यों कर रहा है? तेरी सुलगाने में मजा आता है। देख मेरी खोपड़ी मत खिसका, जल्दी भाग। तू बस गफ्फार भाई को खर्च कर डाल, उन चारों लौंडों से तो मैं निपट लूंगा। चलो आज गोंगों को जबान तो मिली। हाँ पूजा, आखिर कब तक खामोश रहती? जब मेरे भाई का कत्ल हुआ था तुम सब खामोश थे, क्यों? हाँ, आज हमें अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, हम सिंगा के खिलाफ बयान देने को तैयार हैं। अब उसका वक्त गुजर चुका है, और फिर बदला लेना मेरी जिंदगी का मकसद तो नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंगा ही नहीं बल्कि हर ऐसे सींग वाले का मुकाबला करना है जिसके सींग समाज के सीने को घायल कर देते हैं। तो फिर तुम चाहती क्या हो? यही कि जिस मकसद के लिए तुम लोगों का सर उठा है वो मकसद जरूर पूरा होना चाहिए। कौन सा मकसद? अपनी बस्ती में अपना गणपति लाने का। चलो
गणपति की तैयारी करें। सवेरे नाम की तेरे धूम मची है गली गली। बिना किसी फसाद के विसर्जन हो गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चाचा, 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 लगता है ये क्या चाचा को किसी ने कत्ल करने की कोशिश की। मैं भी जाके सलमा बहन को खबर दूं। पहले ने हॉस्पिटल ले चलते हैं। हरी अब
चलो जल्दी करो यार। तो खबर सही निकली हा? क्या लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये झूठ है इंस्पेक्टर। अच्छा, तो क्या छुरा भी झूठ है जिससे तुम लोगों ने इसका कत्ल किया? ये साजिश इंस्पेक्टर। हाँ। ले चलो इन सबको। अरे इंस्पेक्टर, अरे बेगुनाह इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन में छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किसी ने चाचा को चाकू मार दिया सलमा, छोड़ दो। अच्छा नहीं करा डाले, अच्छा नहीं करा। अबू, अबू। हवालदार, इसे जल्दी अस्पताल पहुंचाओ, मैं इनको देखता हूँ। अबू, चलो चलो। अरे ओ इंस्पेक्टर, तू इंस्पेक्टर है वर्दी वाला गुंडा? अरे तो गुंडा नहीं, गुंडों का सरदार है। सरदार नहीं, कानून का दलाल है। अरे नोट सरकार से लेता और खून जनता का पीता है। याद रखना इंस्पेक्टर, अगर हमारे चाचा को कुछ हो गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भौंक लो कुत्तो, जितना भौंकना चाहते हो भौंक लो, क्योंकि हकलाए हुए कुत्ते मरने से पहले बहुत भौंकते हैं। तुम सबकी मौत सलाखों के पीछे होगी, वो सलाखें चाहे जेल की हो या पुलिस स्टेशन की, सड़ सड़ के मरोगे तुम चारों लोग। बस जरा इंक्वायरी कर लेने दो मुझे, 302 के तहत अगर हर एक को फांसी का फंदा न लगवाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर वाघ मारे नहीं। ये आप लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? जाइए अपने अपने घर जाइए, कल सुबह आइएगा। हेलो डॉक्टर। हेलो, कैसी पोजीशन है अभी? उसे होश में आने में वक्त लगेगा, मगर हमारी कोशिश जारी है। उसका होश में आना बहुत जरूरी है डॉक्टर। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मत रो बेटी, मत रो। देख, इन आंसुओं को बहाने से अगर कुछ बन सकता ना, तो दुनिया का हर मजबूर इंसान आंसू बहा बहा कर अपनी बिगड़ी बना लेता। यहां तक तो ठीक है, पर गांधीनगर की आगे की योजना का क्या होगा नेताजी? वो भी सुन लो भंडारी, गफ्फार तो मर जाई है और उन चार छोकरन को जेल हो जाई है, फिर हम गांधीनगर बस्ती पे बुलडोजर फिरवा देंगे। क्या हुआ मास्टर जी, गफ्फार चाचा कैसे हैं? गफ्फार अभी तक होश में नहीं आया बेटी। उनका होश में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चारों बेकसूर बेवजह फंस जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये हमला किया किसने? सच बात तो यह है बेटे, जब से इन बच्चों ने गणपति बिठाया ना, सिंगा गफ्फार और इन बच्चों का दुश्मन बन गया है। मेरा शक तो सिर्फ सिंगा पर है। अरे नायक, तुमने जिस काम के लिए कहा था वो हो गया? जी हाँ मैडम, यह है मिस नीलकंठ, जिन्होंने गांधीनगर बस्ती में अपना फ्लैट बुक करवाया है। गांधीनगर में? यस मैडम, उन फ्लैटों को बुक करवाने के लिए हमने अपनी बीवियों के गहने तक गिरवी रख दिए थे। मगर वहाँ तो पहले से बस्ती बसी हुई है। जी हाँ, हमने मिस्टर भंडारी से कहा था, उन्होंने हमें यकीन भी दिलाया था कि ऊपर से आर्डर लेकर बस्ती खाली करवा देंगे, मगर नहीं हुई। आपने कानून का सहारा लिया? कानून? आप अदालतों की कार्रवाई तो जानती ही, आदमी की उम्र खत्म हो जाती मगर मुकदमा कभी खत्म नहीं होता। आप रसीदे लाए हैं? जी हाँ, ये रही, लीजिए। मिस्टर भंडारी। आ रहा हूं। आप? मेरा नाम पूजा है और मैं सूरज अखबार की एडिटर और रिपोर्टर हूँ। अजी होंगी, पर इस वक्त यहाँ क्या लेने आई हैं? मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि गांधीनगर के लोगों से पूछे बगैर आपको वहां बिल्डिंग बनाने की इजाजत किसने दी? बताइए। ये बात आप सरकार से पूछिए,
क्यों सरकार को बदनाम करते हैं आप? ऐसा क्यों नहीं कहते कि कुर्सी पर बैठने वाला हर शख्स अपने आप को गवर्नमेंट समझने लग जाता है? कन्या, हम पर व्यंग करने का परिणाम जानत हो। सच्चाई को कहने वाले परिणाम से नहीं डरते, चाहे उनका कत्ल क्यों ना हो जाए। ये रसीदे ऐसा कच्चा चिट्ठा है जो आपके सारे भेद खोल देगा। गफ्फार मियां को कत्ल करने की कोशिश क्यों की गई? बस्ती में गुंडों से आतंक क्यों फैलाया गया? उन चार बेकसूर लड़कों को पुलिस से क्यों पकड़वाया गया? इसलिए कि वहां आप झोपड़ियां तोड़कर बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। याद रखिए मिस्टर भंडारी, आपका यह ख्वाब मैं पूरा नहीं होने दूंगी। अरे नेताजी, मैं तो मर जाऊंगा, ये तो क्या क्या कह गई प्रभु। भंडारी जी, लगता ही शुक्रिया हमका नंगा करने पर तुली है। नेताजी, आप लोग नंगे होने के बाद भी कपड़े बदल लेते हैं, पर एक व्यापारी जब नंगा हो जाता है तो वो धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का होता है ना घाट का। इस गफ्फार का कुछ कीजिए, नहीं तो पोल खुल जाएगी। अरे भंडारी, रोत काहे को हो, हम बांस ही तोड़ डालेंगे तो बसुरी कैसे बजे है। इस ससुर को मर गवा, दूसरा ट्राई कीजिए। इस साला भी मर गवा। ठीक है, हम पुलिस स्टेशन जाके बाघ मारे को सब कुछ समझा दे हैं। भंडारी को भंडारा लगा गई। सलाम साहब, नमस्ते सर। नमस्ते। जय हिंद। कौन था ये? अपने इलाके का नेता है ये, चोर है साला, सरेआम रिश्वत लेता है। मुझे तो लगता है ये नेता वाघ मारी और सिंगा से भी मिला हुआ है। खून? अच्छा अच्छा, हाँ मैं संभाल लूंगा। ओके। अरे तुम का खाक संभालोगे? वहां अगर गफ्फार को होश आ गया तो? अरे गफ्फार अल्लाह मियां को प्यारा हुआ ही समझो, और उन चार लड़कों को अगर फांसी ना हुई तो कम से कम उम्र के तो जरूर हो जाएगी। तुहार मुंह में घी शक्कर, परंतु हमार राजनीति में एक शक नाम की बीमारी भी होत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऊ एडिटर पूजा हमका तो बदनाम करेगी ही। ऊपर से तुहारी उल्लू का चरखा विजय सिंह उन लड़का के गला में फांसी का फंदा डालने की बजाय हम लोगन का गला में फांसी का फंदा डाल दी है। इसलिए गफ्फार को होश आने से पहले तो का करना चाहिए। वाह नेताजी वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूं। अरे दिमाग ही तो है साला, ऐसे ही थोड़े मूर्ख जनता पर राज कर रहे हैं। विजय सिंह। यस सर। सात रस्ता पर किसी वेश्या का खून हो गया है, तुम फौरन वहां पहुंचो, मैं यहां देखता हूं। मगर सर, चार रास्ता तो पुलिस स्टेशन के नजदीक पड़ता है, आप वहां का केस छोड़कर यहां? शट अप, ये मेरा हुक्म है समझे, चाहे वो नाजायज हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि रजिस्टर के मुताबिक मेरी ड्यूटी यहां पर है, पर मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उस केस की इमरजेंसी देखकर मैंने तुम्हारी ड्यूटी बदल दी है। इमरजेंसी होते हुए भी आप वहां क्यों नहीं गए? क्या ये भी मुझे अपने जूनियर को बताना पड़ेगा? नो सर, मैं अपने सीनियर को यह याद दिलाना चाहता हूं, ड्यूटी इज ड्यूटी। आप जानते हैं इस केस का ताल्लुक उन चार लड़कों के साथ है, और उन चारों की दुश्मनी सिंगा के साथ है। कहीं आप? विजय सिंह। जा रहा हूं सर, मगर इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर इस केस में कोई भी गड़बड़ी हुई तो बात ऊपर तक पहुंच सकती है। डॉक्टर, गफ्फार की तबीयत कैसी? खतरे से बाहर है और होश आ चुका है, मगर आधे घंटे तक आप उसे नहीं मिल सकते। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। पांडू सावंत, जाओ। यस सर।
विजय सिंह की ड्यूटी के दौरान जी सर कोई अंदर तो नहीं गया था? नहीं सर। तुम यकीन के साथ कह सकते हो? यस सर, यकीन से कह सकता हूँ, कोई भी नहीं गया। तुंदे बुढ़े, तू बच तो गया, लेकिन याद रख, तुझे अपने पर हुए हमले का इल्जाम अपने उन चार पालतू कुत्तों पर लगाना होगा, समझा? और अगर भूल से भी कहीं तूने मेरा नाम लिया तो तेरी मौत के बदले मैं तेरी बेटी का वो हश्र करूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकता। चलो। कैसे हो इंस्पेक्टर साहब? सिंघा भी अभी अपने साथियों के साथ यहाँ आया था। क्या भगते हो? मैं खुद दो हवलदारों के साथ बाहर पहरा दे रहा हूँ। लेकिन सिंघा ने मुझे धमकी दी है कि वो मेरी बेटी की इज्जत लूट लेगा। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा बयान लेने आया हूँ। तो उन चार लड़कों ने ही तुम पर हमला किया था ना? नहीं। तो फिर किसने किया था? एक शरीफ आदमी का कर्तव्य है कि वो कानून की मदद करे। डरो मत, बोलो, जवाब दो, बोलो किसने किया था? इंस्पेक्टर साहब, चार लड़कों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। पता हरामजादे? इंस्पेक्टर, मार खाता खाता मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। वो तीनों भी यही कहते थे, लेकिन तू जरूर कबूल करेगा। खोल दो इसे और लिटा दो हरामजादे को। कमीना, बस कीजिए सर, बस कीजिए। एक तो हॉस्पिटल में बच गया है, और अगर यहां इसे कुछ हो गया तो आपके ऊपर मुसीबत खड़ी हो जाएगी सर। रामखोर, हवलदार जी साहब, इसे अंदर ले जाओ जी। इंस्पेक्टर, कोई और पत्थर बाकी हो तो वो भी पूरी कर लो। मारो और मारो, मार डालो हम सबको। मैं उनमें से नहीं हूं। वो किन में से हो इंस्पेक्टर? उन बदनसीबों में से जो बेईमानी की दाल में ईमानदारी के कंकर की तरह खटकते रहते हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मैं तो तुम लोगों से ये पूछने आया था कि गफ्फार मैंने तुम्हारे खिलाफ बयान क्यों दिया? हाँ, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? आओ आओ मास्टर, सब ठीक ठाक तो है? चलो गफ्फार, अस्पताल से तुम्हें छुट्टी मिल गई है। चलो अच्छा। वो सलमा बेटी, घर में अकेले डर तो नहीं लगता था? डॉक्टर ने आपको बाहर की दवाइयां लिख के तो नहीं दी ना?
मैं जानता हूं तुम लोग मुझसे बहुत नाराज हो। जब एक दोस्त अपना ईमान बेच डाले तो दूसरा दोस्त सिवाय नाराज होने को कर भी कह सकता है। जाने दीजिए चाचा, शायद अबू खौफनाक हादसे की वजह से दोस्ती और ईमान का मतलब भुला बैठे हैं। मैं कुछ नहीं भुला हूं, लेकिन मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों के बारे में हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे बार बार कहने के बावजूद तुम उन बच्चों से नहीं मिले? क्या मुंह लेके जाता मैं अगर वो बच्चे मुझसे पूछ लेते कि चाचा ने हमारे खिलाफ झूठा बयान क्यों दिया है, तो मैं क्या जवाब देता? बोलो क्या जवाब देता मैं? जवाब देने की क्या जरूरत है? चाचा ने दीजिए उन सबको फांसी पर, इनके अपने बेटों को, मेरे भाइयों को, और क्या? महबूब के बारे में कह रही है जिसे बेहद प्यार करती है और उसके बिना ये मर जाएगी। ये मैंने क्या कर रहा? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उनकी जमानत करवाऊंगा, चाहे मुझे अपने आप को ही क्यों ना बेचना पड़े। 40,000 की जमानत? क्यों मास्टर, कहीं डाका डाला है क्या? इंस्पेक्टर साहब, रुपए पैसे के बारे में पूछताछ करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। आपने कोर्ट के ऑर्डर्स देख लिए हैं, बच्चों को रिहा कर दीजिए। चलो चलो चलो। आओ बच्चों, आओ मेरे साथ। सुनो छोकरों, जमानत हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की गर्दन फांसी के फंदे से बच गई, समझे? इंस्पेक्टर, तुमने जो करना था वो कर लिया, अब हम वही करेंगे जो हम चाहें। तुम लोग अच्छा चलो। कैसे हो गफ्फार? ये लोग, अरे ये तुम लोग सामान लेके कहां जा रहे हो? अब हम लोग यहां नहीं रहेंगे। क्यों? जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो बेगानों से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिंदगी में एक भरोसा था, अब वो भी खत्म हो गया। अब हमारा इस बस्ती को छोड़ जाना ही अच्छा होगा। यही तो चाहते हैं वो लोग। वो कौन? सिंगा, वाघमारे, बिल्डर भंडारी और शायद नेता भी। अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो उनके रास्ते का कांटा आसानी से निकल जाएगा। मगर ये बात चाचा की समझ में आए तब ना। ये अच्छी तरह से जानते थे कि हम बेकसूर हैं। तो फिर इन्होंने पुलिस के सामने हम पर ये इल्जाम क्यों लगाया था कि हमने इन पर कातिलाना हमला किया? कोई मजबूरी रही होगी। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है? ये तुम सब अभी नहीं समझ सकोगे। जब एक जवान बेटी के बाप बनोगे ना, तब समझ जाओगे। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि सिंगा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम लोगों का नाम नहीं लिया तो वो सलमा की इज्जत लूट ले। अब तुम ही बताओ कि इन हालात में एक मजबूर बाप और कर भी कह सकता था? तो सलमा की वजह से डर गए थे आप? चाचा, सलमा से निकाह करने की इजाजत देंगे आप मुझे? मैं तैयार हूं बेटा, लेकिन इससे भी क्या होगा? होगा चाचा, निकाह के बाद वो आपकी बेटी नहीं मेरी बीवी होगी, और फिर मैं देखता हूं कि मेरे जीते जी मेरी बीवी को कौन हाथ लगाता है। लेकिन तुम अकेले कर ही कह सकते हो। मास्टर जी, महबूब अकेला नहीं, हम सब उसके साथ हैं। सलमा हमारी बहन है, और अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। हाँ। अगर ये बात है तो बोलो मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपना बयान बदलना होगा और उसकी एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को पहुंचानी होगी।
ठीक है बेटी, तू अखबार नवीस है, बस्ती वालों के दुख तू ही ऊपर तक पहुंचा सकती है। तू जो भी लिख देगी मैं दस्तखत कर दूंगा। माशाल्लाह क्या बात है। जिज्जा जी जरा हमारी बहन का ख्याल रखना। हाँ, वरना याद रखना तीन तीन साले हैं। जब से नजर तो से लड़ी 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 जब से नजर तो से लड़ी सोनिया दिल मेरा तुझको पुकारे है घड़ी घड़ी ओ सोनिए दिल मेरा तुझको पुकारे है घड़ी घड़ी लड़ी 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 जब से नजर प्यार की ये नजर लगती है
लगती है हर एक दुआ से बड़ी। लड़ी 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 जब से नजर लड़ी लड़ी। लड़ी 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 जब से नजर तो से लड़ी। पुकारे हैं घड़ी घड़ी। लड़ी 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 जब से नजर तो से लड़ी। सलमा को अपने निकाह बैवस महर 51 रुपए सिक्के रजत से कबूल किया। कबूल किया। कबूल किया। कबूल किया। कबूल किया। मुबारक हो। मुबारक मुबारक। शिवा अभी निकाह हो गया, तू क्या सोचा था? कुछ नहीं। खुश रहो, सुखी रहो। कांग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो मेरे दोस्त। मुबारक बहुत बहुत मुबारक। सर फॉलो मी। सर ये सब क्या है? ध्यान से पढ़ो इन अखबारों को, जिन्होंने पुलिस और गुंडों को एक कतार में खड़ा किया है। कितनी शर्म की बात है कि पुलिस के होते हुए एक गुंडा पूरी बस्ती उजाड़ने पर तुला हुआ है। सर ये खबरें झूठी भी हो सकती हैं। सर शहर आप केस की तहकीकात करने के बजाय तुम उस गुंडे की पैरवी कर रहे हो। कफार रिजवी की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो। पुलिस की निगरानी के बावजूद सिंगा उसे धमका कर चला गया, उस वक्त तुम ही थे ना ड्यूटी पर? चुल्ली पर पानी में डूब मरो। यस सर। व्हाट यस सर? आई मीन टू से आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम जैसे यस मैन लोगों ने ही सारे देश को बर्बाद कर रखा है। मिस्टर वाघमारे कान खोलकर सुन लो, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर सिंगा की गिरफ्तारी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हम कुछ नहीं जानते हैं। आप समझते क्यों नहीं है नेताजी, मुझे सिंगा को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सुन लिया नेताजी, कमिश्नर ने थोड़ी सी उंगली क्या कर दी, साला रोने यहाँ चला आया। चुप कर हरामखोर, मैं अब तेरे और गुनाह नहीं छिपा सकता, समझे? खामोश। अरे मूर्खो, हम प्रजा को लड़वाई कर नेतागिरी करत है। अरे आपस में ही लड़ने लगेंगे तो उन ससुरों पर हुकूमत कैसे करेंगे? अरे जब तक हमार लीडरी सलामत है ना, ना तो हार वर्दी का कुछ होगा और ना एक ही गुंडागर्दी का कुछ होगा। बस तुम दोनों मजबूती से हमार कुर्सी को पकड़े रखो, कर समझे? वो तो ठीक है, मगर नेताजी मैं पुलिस कमिश्नर को क्या जवाब दूं? ये हम तो का बताते हैं, उन चार लड़कन में एक सिवाही फैमिली वाला है, बहू का तोड़ लो बयान अपने आप बदल जाएगा। और सिंगा सुना है सिवा के भाई की जोरो बहुत नमकीन है। मैं समझ गया नेताजी कि शिवा को कैसे तोड़ा जा सकता है। बुड्ढे जो आवाज की तो कालू चल चल बुड्ढे। तो सुन लो, इस घर से निकला हुआ कुत्ता अब मेरी तरफ मुंह करके भौंकने भी लगा है। और ये मैं इसे एक शर्त पर छोड़ भी सकता हूं, शिवा से कह देना कि गफ्फार और उसके साथ रहने वाले छोकरों का साथ छोड़ दे और बस्ती में मेरा कुत्ता बनकर रहे। सिंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद शिवा जो भी करेगा वही करेगा जो तुम चाहोगे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी बहू की वो हालत कर दूंगा बस्ती में कि इसे आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा।
उठ शिवा, शिवा। पिताजी आप? चल सीधा घर चल मेरे साथ। नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। बकवास बंद कर वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अंकल क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो, मेरे भोले भाले बेटे को बदमाश बना दिया तुम लोगों ने। चल शिवा, चल उठ, चल। लफंगे कहीं के। लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आखिर बात क्या है? बस बहुत हो गया, आज के बाद तू उन लफंगों से नहीं मिलेगा। देख बहू की हालत। भाभी क्या हुआ? भाभी होना क्या है? तेरे किए का भुगत रहे हम। मेरे किए का? हाँ हाँ तेरे किए का। सिंगा से दुश्मनी तूने मोल ली और तेरा बदला वो बहू की इज्जत लूट कर लेना चाहता है। भाभी की इज्जत लूट कर? और नहीं तो क्या, कल रात उसने मेरे सामने तुम्हारी भाभी के कपड़े फाड़ डाले। तुम्हारे सामने? हाँ हाँ मेरे सामने। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरे तुम नामर्द। अरे भूल गए, अग्नि के फेरे लेते वक्त तुमने भाभी की रक्षा करने की कसम खाई थी। भाभी, जिसने तेरे इस पवित्र शरीर को छुआ है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवा, शिवा बेटे, शिवा बेटे, शिवा। बहू तुम ही समझाओ उसे, ना जाने क्या खून खराबा करने जा रहा है। जाने दीजिए पिताजी और खुशियां मनाइए। इस घर में कोई मर्द तो पैदा हुआ। रामजादे, सिंगा को उंगली करने आया था, जो मुझे उंगली करता है मैं पूरा हाथ दे देता हूं उसे। सिंगा, रामजादे, सूरी है सर। हम गांधीनगर के वही चार लड़के सिंगा के अड्डे से बोल रहे हैं सर। सिंगा के अड्डे से? यस सर, यहाँ आकर अपनी आंखों से देखिए सिंगा के अड्डे पर क्या कुछ होता है। कहाँ ये अड्डा? सर काजूपारा के नाके के पीछे। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू सर। आइए कमिश्नर साहब, देखिए यहाँ क्या क्या धंधे होते हैं। हवलदार गिरफ्तार कर लो सब गुंडों को। ले जाओ इसे भी। आइए सर, आइए, ये देखिए। नकली विस्की, अफीम, ब्राउन शुगर, कोकेन,
मिस्टर वाघमारे। यस सर। ये अड्डा तुम्हारे एरिया में आता है, तो फिर आज तक इस अड्डे पर रेड क्यों नहीं पड़ी? ये क्या रेड मारेगा सर, ये तो खुद सिंगा से मिला हुआ है और इन दोनों के सर पर हाथ है नेता जे.बी. सिन्हा का। शट अप सर, ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए इस बस्ती पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई और तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। नो आर्ग्यूमेंट्स। इंस्पेक्टर वाघमारे, तुम्हें हर हालत में सिंगा को आने वाले 24 घंटों में पकड़ना होगा, और अगर यह काम तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जो एक बेईमान पुलिस इंस्पेक्टर का एक कमिश्नर करता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। अरे लानत है तुहार बदमाशी पे, जरा सी धरपटक का हुई कि कुत्ते की तरह दुम दबाकर हमारे यहां भाग आए। लगता है भाषण देते देते आपका दिमाग खराब हो गया नेताजी। सिंगा चिल्लाइए मत नेताजी, एक बदमाश भी औरों की तरह हार्ड मास्क का बना होता है, उसकी ताकत होती है पुलिस और नेता। आपने जो कहा मैंने आपके लिए कर दिया, लेकिन आपने और वाघमारे ने मेरे लिए क्या किया? हर बार तुझे बचाया है हरामजादे, अब फांसी के फंदे पर चढ़ने से तुझे नेताजी भी नहीं बचा सकते। ए इंस्पेक्टर, हम बड़ी भीता का रोब जमाने आया है क्या? जानत नहीं कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं, जब चाहे भीता छीन ले। तो छीन लीजिए, ताकि मैं तो फांसी के फंदे से बच जाऊं। का मतलब है समस्या बहुत गंभीर है। समस्या आपकी राजनीति में होती है, पुलिस में सिर्फ एक्शन होता है एक्शन, और एक्शन ये कहता है कि मैं अभी सिंगा को पकड़कर पुलिस कमिश्नर के हवाले कर दूं। पुलिस कमिश्नर? हाँ पुलिस कमिश्नर, ये रहा वारंट 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का, और इसके बाद आपकी बारी है। हमार बारी? नेताजी ये सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। यही तो हम सोचत हैं कि हमार दिखावे के दांत कमजोर पड़ गए, परंतु हमार खाने के दांत अभी भी बहुत मजबूत हैं। खाने के दांत? हाँ, हमार कमांडो फोर्स। अरे तू तो दिखावे का गुंडा है, हम हैं शुद्ध देसी गुंडे जो विरोधी पक्ष के वोटर को गोली से उड़वा देता है, और आज आज गांधीनगर हमारे विरोधी पक्ष में है, उसे हम कैसे छोड़ देंगे? अगर मेरा क्या होगा? अरे तोका तो हम कल सुबह ही विदेश पार्सल कर देंगे, लेकिन जाने से पहले तुम हमार कमांडो फोर्स के साथ गांधीनगर को और उन चारों गुंडों को जान बना दोगे। लेकिन कल 15 अगस्त है। यही तो मुश्किल है। अरे इस देश की आजादी के लिए हमारे नेताओं ने कितने कितने बड़े बलिदान दिए, और आज हमारे नेतागिरी को बचावे खातिर गांधीनगर को बलिदान देना होगा।
पता नहीं चला। बता उन्हें कहां छिपा रखा है। नहीं बताऊंगा। मैंने अगर तुझे उन चारों का पता बता दिया
तो इन सबकी मौत का हिसाब तुझसे कौन लेगा? अच्छा रामजादे, अभी भी वक्त बता दे। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। चल ले हरामजादे। Yes. सर, सिंह और उसके आदमियों ने गांधीनगर बस्ती में कत्लेआम कर दिया है सर। What? सारी बस्ती उजाड़ दी है सर। मैं अभी आ रहा हूं। राइट सर। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने की तैयारी करो। राइट सर। इस शर्मनाक हादसे के लिए मुझे बहुत अफसोस है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आज आप अफसोस कर रहे हैं और कल सारे शहर के नेता और अखबार माता मनाएंगे और परसों सब आराम से सो जाएंगे और आजाद घूमता रहेगा इन सब का कातिल सिंगा। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं वादा करता हूं कि आज ही सिंगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वादा? कमिश्नर साहब, इस देश की बदनसीब जनता सिर्फ वादों पे ही तो जिंदा है, लेकिन अब हमें किसी वादे का भरोसा नहीं रहा। अब तो खून का बदला खून होगा। चलो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम इस देश के भविष्य हो और मैं भविष्य को खून की होली खेलते नहीं देख सकता। अरे जिनका वर्तमान ही अंधेरों में पला हो, वो भविष्य से उजाले की उम्मीद कैसे कर सकता है? यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। जिस वर्तमान के अंधेरे में तुम जी रहे हो, उसका भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। अपने में ऐसी इतनी ताकत पैदा करो कि पूरे भविष्य को उजाला दे सको, और यह तभी हो सकता है जब तुम लोग कानून और व्यवस्था को बना रहने दोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुबह होने से पहले सिंगा सलाखों के पीछे होगा। विजय सिंह, मेरे साथ आओ। यस सर। का बकत हो, वो चारों लड़का बच कैसे गया? वो बस्ती में था ही नहीं। तो तू हमका फोन किया होता, ये हम मर्रे को काहे को आए गए? अपना पासपोर्ट और टिकट लेने के लिए। जल्दी लाइए, कहाँ है? भाग मेरे, पासपोर्ट दे, टिकट दे इसे, जल्दी ले। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। और सुन, ये अपना हुलिया बदल देना, समझा? हाँ हाँ, कर लूंगा। नेताजी, कमिश्नर साहब पुलिस फोर्स के साथ बंगले में आ रहे हैं। ठीक है, आवा देव, पुलिस कमिश्नर आ रहा है, तुम लोग जाके छिप जाओ, जाओ। आवा कमिश्नर, आवा। सिंगा कहाँ है? कौन सिंगा? अच्छा, विजय सिंह। यस सर। घर की पूरी तलाशी लो। राइट।
तलाशी का वारंट है का? अरे जेबी, तुम कैसे नेता हो? इतना भी नहीं जानते कि कमिश्नर को वारंट की जरूरत नहीं होती है? विजय सिंह, यस सर, अपना काम करो। ओके सर। अच्छा अच्छा, अब ससुर पहरेदार भी मालिक के घर की तलाशी लेने लगे हैं। जब नेता मालिक बनकर अपनी जनता को लूटने लगता है तो पुलिस का यह फर्ज बनता है कि उसे पकड़कर कानून के हवाले कर दे। हे कमिश्नर, मत भूल के पुलिस जनता और नेता के बीच एक दलाल का काम करता है। अरे दलाल तो कमीशन खाकर सब्र कर लेता है, लेकिन तेरे जैसा नेता एक ऐसी रंडी है जो पूरे देश में भ्रष्टाचार की बीमारी फैलाती है। तो रंडी के दलाल तनिक कमीशन खा के सब्र कर ले। अरे कमीशन तो वागमारा जैसे दलाल खाते हैं जिन्हें तुझ जैसी रंडी पैदा करती है, लेकिन मेरा ईमानदार कानून भ्रष्टाचार की बीमारी के लिए ये डंडा पैदा करता है। डंडा? ए कमिश्नर, ई जान वर्दी पहन के तू ये डंडा हमार तरफ बढ़ायो ना, कसम कुर्सी की अगर यही वर्दी उतरवा के तो का नंगे नहीं किए तो हमार नाम भी नेता जेबी सिन्हा नहीं। इस कमिश्नर की वर्दी तुझ जैसे टुच्चे नेता की वर्दी नहीं है जो दल बदलते ही अपना रंग बदल लेती है। कितना बदनसीब है ये देश जहां लोग चपरासी रखते वक्त तो शिक्षा पूछते हैं लेकिन नेता चुनते वक्त कुछ नहीं देखते। कमिश्नर, गला मत फाड़ भेड़िए वरना ये डंडा पूरा का पूरा अंधा कर दूंगा। अपनी औकात में रह कमिश्नर। इस वक्त तू मेरी औकात नहीं मेरी हैसियत को देख। अगर मैं चाहूं तो इस वक्त तुझे देशद्रोही साबित करके मैं गोली मार सकता हूं। यहां कोई नहीं मिला सर। जेबी, तशरीफ ले जाइए। जेबी, तूने इतने भोले भाले मासूम लोगों का कत्ल करवाया है, जी तो चाहता है कि इसी वक्त तुझे खत्म कर दूं, लेकिन अफसोस हम जैसे अफसर तुझ जैसे नालायक नेताओं की तरह अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा नहीं उठाते। खैर, जल्दी मुलाकात होगी। विजय सिंह, चलो। मंत्री जी, प्रणाम। आपका दास जेबी सिन्हा बोलत है। हाँ, आज्ञा नहीं, बस प्रार्थना है। वो मंत्री जी का हो कि एक ससुर है अशोक सूरी, पुलिस कमिश्नर। ससुर बहुत तंग करत है, उका ट्रांसफर कराई दियो। जय हिंद, जय हिंद। आजा 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 आजा। शुक्र है भगवान का, बाल बाल बचे। अरे ससुरों, नेता का घर भी एक तीर्थ स्थान होता है, समझ लो गंगा नहाए लिए। करे पकड़ो ससुरी को। आओ हमारे साथ। शाबाश, 15 अगस्त के मौके पर सूरज अखबार की यह खबर सारे शहर में तहलका मचा देगी। नायक जी, इसे लेट न्यूज में छाप दो। अच्छा मैडम, हरी अब जी। हेलो, मैं कमिश्नर साहब से बात करना चाहती हूँ। बैठ
बैठी रहो कन्या, तू हमार बारे में खबर छापना चाहती है ना, पर तू तो अखबार का वो कोरा कागज है जिस पे आज हम अपने नाम की खबर छापेंगे। मुन्ना बाबू, सबको हम मौत की नींद सुला कर आए हैं और अब तेरी बारी है। तुहार हरामजादे भाई सूरज ने भी हमार बारे में अपने सूरज अखबार में खबर छापने की कोशिश की थी, पर वो नहीं छाप सका, लेकिन उनके मरने की खबर सब अखबारन में छपी थी। तुहार बलात्कार की खबर भी ये अखबार में नहीं, बाकी सब में छपेगी। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। काहे? क्योंकि नेता जनता का बाप होता है। ओहो। और एक बाप अपनी बेटी का बलात्कार कभी नहीं कर सकता। हाँ बेवकूफ लड़की, ये जनता ने ही तो हमका अधिकार दिया है उनका बलात्कार करने का। अरे लानत है उस जनता पर जो तुझ जैसा नेता चुनती है, और धिक्कार है तेरे जैसे नेता पर जो सारे देश का बलात्कार कर रहे हैं। भाषण बहुत अच्छा दे लेती हो सुंदरी, पहले मिलती तो हम तोका टिकट जरूर दिलवा देते, पर आज तो हम तुहार टिकट काटने के मूड में हैं। परसवा को आग लगा दियो, कोई सबूत बचना नहीं चाहिए। चल हो जाए, मेरे हाथ
पूजा, पूजा, पूजा। शिवा, प्रेस का काम है जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना। मैंने मैंने तुम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा दी। तू हमारे साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तू हमारी बहन का सुहाग है। बाद में, पहले मैं तुम सबका साथी हूँ। नहीं, हम तुझे नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं ले जाओगे? अरे जरा सलमा के बारे में सोच। तेरे बाद उस बेचारे का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। आज मुझे खुदा भी नहीं रोक सकता। नहीं, तू चल मेरे साथ। चल। खा, खा गफार चाचा की कसम कि तूने सलमा की रक्षा करने की सौगंध नहीं ली थी। मुझे कुछ याद नहीं। क्या तू भी वही झूठ बोल रहा है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं? देख देख सलमा की तरफ, जो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। सुन, तुझे तेरे होने वाले बच्चे की कसम, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, मत चल हमारे साथ, मत चल। वाह सिंगा वाह, तुझे अब कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि आज से तो सिंगा नहीं शमशेर सिंह है। सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट SQ64 टू बैंकॉक नाउ बोर्डिंग एट गेट B27। कुत्ते के पिल्ले, गाली क्यों रोक दी? तू जानता नहीं सिंगा की गाली कभी नहीं रुकती। आगे 3 मोटरसाइकिल खड़े ले साहब। क्या? सिंगा, तू कहता था ना तेरी गाड़ी कभी नहीं रुक सकती, लेकिन आज तेरी जिंदगी की गाड़ी हमेशा के लिए रुक जाएगी। कुत्ते! देखिए, आप लोगों को जोड़ कर गलतफहमी हो गई है। मैं एक शरीफ आदमी हूं और सिंगा, आदमी चाहे कितनी भी शक्ल बदल ले, लेकिन मौत को धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शैतान को जब मौत नजर आने लगी तो भगवान का नाम लेने लगा। माफ कर दो, मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बाघ मारे और जेबी जैसे सांपों का जहर पीने वाले कुत्ते, तूने काट काट कर हमें इतना जहरीला बना दिया है, यही जहर आज तेरी जान लेकर मुझे माफ कर दो। Thank you.
जय सिंह। यस सर। फौरन इस लाश की शनाख्त करवाओ। राइट सर। दूधवाला। अरे वाह, क्या वक्त पे आया है। एक कप कड़क चाय मारूंगा तो मजा आ जाएगा। कानून की वर्दी पहन लेने से कोई गुंडा इंस्पेक्टर नहीं बन जाता कमीने। अब ये वर्दी उतार। नहीं नहीं, फिर मैं वर्दी उतारू तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना। वर्दी उतार, मैं कहता हूं वर्दी उतार। उतारता हूं। जल्दी उतार। वाग मारे, हम इस वर्दी की इज्जत करते हैं लेकिन नफरत करते हैं उन लोगों से जो इस वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं। और वाग मारे, उनमें से तू न जाने कितने बेकसूर और मासूम लोगों की रिमांड ली है तूने, लेकिन आज हम तेरी रिमांड लेंगे। पब्लिक की नजरों में कानून को बदनाम करने और गांधीनगर की बेकसूर जनता का कत्ल करवाने के जुर्म में कानून की यह निशानी आज तुझे फांसी का हुक्म देती है। हैंग टिल डेथ। कमिश्नर सूरी। सर, वो लाश की शिनाख्त हो गई है। वो लाश सिंघा की है। सिंघा की लाश? यस सर। एक और बुरी खबर सर। क्या? बागमारे साहब का कत्ल हो गया है। ओह नो। कमिश्नर साहब, अब हमें किसी भी वादे का कोई भरोसा नहीं रहा। अब तो खून का बदला खून होगा। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच सच्चे देशभक्त, समाज सेवक, नारी जाति की उन्नति और सुरक्षा के लिए लड़ने वाले आदरणीय नेता श्री जे.बी. सिन्हा जी उपस्थित हैं। इन्होंने केवल सरकार से ही आश्रम को सहयोग नहीं दिलवाया बल्कि आज खुद भी 25,000 रुपए दान रूप में दिए हैं। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से नेताजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने शुभ कर कमलों से झंडा लहराने का शुभ कार्य करें। आइए नेताजी, आइए।
जय हिंद। जेबे, ये झंडा हर देशवासी का ईमान है, इसे हम तेरे जैसे अत्याचारी और भ्रष्टाचारी के हाथ में नहीं दे सकते। रुक जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, हमारी दुश्मनी सिर्फ इस नेता के साथ है। इसने थोड़े से पैसों के लिए गांधीनगर की गरीब जनता की लाशों का सौदा किया है, कल यही अपने किसी बड़े स्वार्थ के लिए पूरे देश को बेच सकता है। ऐसे गद्दार को तो मार ही देना चाहिए। नहीं शिवा, जिस बेरहमी से इस राक्षस ने बस्ती वालों को मरवाया शिवा, उसे भी उतना ही तड़पा तड़पा के मारेंगे। के तूफान में अब तक इतनी ताकत तो नहीं आई कि ईमानदारी की चट्टान को हिला सके, लेकिन तुम लोगों ने कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ या बुरा, यह सोचने की तो फुर्सत ही नहीं मिली कमिश्नर साहब। लेकिन हां, एक बात जरूर है, आज बड़े अरसे बाद आजादी की सांस ली है। विजय सिंह। यस सर। अरेस्ट हैं। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहो। सर हम ये चाहते हैं कि आज का ये झंडा वंदन आपके हाथों से हो। हाँ सर, क्या पता अगली 15 अगस्त को हम रहें या ना रहें। मुलजिम शिवा, नीरज और राजा के इकबाली बयानात खुद इन्हें मुलजिम साबित करते हैं, मगर साथ ही साथ ये भी साबित होता है कि नेता, गुंडे और पुलिस के गुट ने मिलकर इन मासूमों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। मैं समझता हूं ये सिर्फ एक केस ही नहीं बल्कि चेतावनी है हम सबके लिए कि अगर नई पीढ़ी इसी तरह नाइंसाफी का शिकार होती रही तो एक दिन सारे देश की जनता कातिल बनकर इसी तरह अदालत के कटघरे में खड़ी होगी। क्या कानून में इतनी हिम्मत होगी कि जिस जनता ने कानून बनाया वही कानून सारी जनता को फांसी की सजा सुना दे? कहीं ऐसा ना हो कि कानून को शर्मिंदा होकर आत्महत्या करनी पड़े। अब भी समय है, हम सब की कोशिश हो ऐसी कहानी फिर ना दोहराई जाए। लिहाजा ताजीरात हिंद जेरे दफा 302 के तहत अदालत मुलजिम शिवा, नीरज, राजा को नेता जेबी सिन्हा, वाघ मारे और बदमाश सिंगा के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। Thank you.
ये बच्चा? हाँ, तुम लोग मामा बन गए हो। मामा? मामा? ला? कितना कितना प्यारा है हमारा भांजा। हाँ, लेकिन कितना बदनसीब है जो अपने मामाओं का प्यार कभी नहीं पा सकेगा। भैया, जब ये तुम लोगों के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी? इसे उस अंधेरे की कहानी जरूर सुनाना बहन, जिससे लड़ते लड़ते इसके मामा हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में खो गए। ये बच्चा हमारा भविष्य है, इसे वो उजाला दिखाना जो हम ना देख सके। बेटा, तुझे क्या आशीर्वाद दूं? ये भी तो नहीं कह सकता कि तुझे मेरी उम्र लग जाए। तुम लोग वर्तमान से बहुत निराश हो गए हो ना? माना के देश के वर्तमान में कुछ अंधेरा जरूर है, लेकिन इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। इसके साथ वो कुछ नहीं होगा जो तुम लोगों के साथ हुआ है। हाँ, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। ये लो बहन, खुश रहो। जा रहे हो दोस्त? हाँ महबूब, परिवर्तन के इस यज्ञ में ये आहुति तो देनी ही पड़ेगी। बाबा मैं जा रहा हूं। बाबा मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दो बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। कम ना हो प्यार ही प्यार।